उसे मुसलमानों को वोट जरूर चाहिए, मगर काम नहीं चाहिए मुसलमानों का, वोट चाहिए मुसलमानों को, जो भी चाहिए। जब जहाँ पर भी देखेंगे तो मुसलमान खड़ा कर देंगे। 19 में दिखाए गए थे कि हर साल 2-2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, अभी तो 10 साल सरकार बीत गई, 15-15 लाख का भी, 15-15 लाख मुद्दे आए थे, काला धन वापस आएगा, सब आप इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड के जरिए सारा धन अपने अंदर ही भर लिए। देश को खत्म कर रही है, तानाशाह वाली सरकार है भाई, ये रसिया बना देगी इसे। लड़का हो रहा था लड़की पे, आज कुछ ही नहीं हो रहा है, बहुत अभी सुधार गया। हमको तो मोदी आज जोगी चाहिए बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइट इंडिया और मैं प्रोग्राम लेकर आया हूं किस्सा कुर्सी का। आइए हम जानेंगे यहां की जनता से कि 2024 के इलेक्शन है, किसकी सरकार बनेगी, किस रूप में देखना चाहते हैं, किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है। हमें तो ऐसा लगता है कि BSP बननी चाहिए, क्योंकि BSP के जो 2007 में थी सरकार काफ़ी अच्छी थी, अभी और अभी तो BJP का ही कार्य है, वो तो मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, राम मंदिर खड़ा कर दिया, राम मंदिर खाने को थोड़ी देगा, रोजगार है ही कहाँ किसी के पास, ये बताओ। ये सब आ रहे हैं बेचारे, ये सब पैसे के लिए तो भाग रहे हैं, इनके पास कहाँ रोजगार, खुद का रोजगार हो तो खुद के पास, तो रोजगार किसी के पास है ही कहाँ, इंसान बेलदारी कर रहा है। देखो, सरकार तो मोदी जी की बननी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इस गली के, इस मोहल्ले का, इस एरिया का आज तक सुधार नहीं हुआ, चाहे अखिलेश जी थे, चाहे मायावती थी, चाहे ये BJP को आज 10 साल होने वाले हैं। इस एरिया में विधायक भी वही है BJP के, MP भी वही है, उसके बाद भी यहाँ पे ना खंभे हैं, ना नाली हैं, ना सड़कें हैं, ना खड़ंजा है, मच्छर बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल कर दिया है यहाँ का, तो ऐसा समय नरक में करके है। मोदी जी कह रहे हैं यहाँ पे पानी होना चाहिए, टैंकी देंगे, हम मर्जी देंगे, ना टूटी पानी कुछ भी नहीं है, पानी भी इतना गंदा आ रहा है कि हम मुझे बोरिंग वाला परेशान किया, लोगों बीमारी हैं, लोग परेशान हो चुके लोग यहाँ पर, सुनाई यहाँ कोई नहीं है। कुछ बताएंगे आप यहाँ पर समस्याएं जो हैं उसके बारे में? समस्या तो सब कुछ भी ना है यहाँ पे, क्या समस्या, सब चीज़ हमारे तो भाई गरीब आदमी, पानी पानी का चाहिए ना यहाँ पे, कम से कम इन लोगों को करना चाहिए, जब तो कोई वोट फोट देगा इनके लिए, और समस्या तुम करते ना तो भी वोट किस बात के देंगे। अभी इलेक्शन है, किसको जिताना चाहेंगे आप, किसको देखना चाहती हैं? अब भाई जो हमारा सुविधा करेंगे उसी को जिताएंगे हम तो, और क्या। अभी आपने सोचा नहीं? तो अभी सोचा नहीं है, जब कोई हमारे करेंगे, जब तुम कुछ करेंगे मेरे लिए, गरीब आदमी है, गरीब आदमी देखो घर पर ऐसे ही है, झोपड़ी भरी है, कम से कम इनको तो सोचता है दुनिया में तुमने मीटर लगवाया, सब कुछ करवाया, हमारे पास क्या करवाया इस गली में। नहीं, सारी स्कीमें ऐसी थी, राशन फ्री दे रही है सरकार, गैस के कनेक्शन फ्री बांटे हैं सरकार ने, BJP करा, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया ना फ्री में, कम से कम करवा कर देखते तो अभी तो पता चलती पब्लिक के लिए कि यहाँ इस गली में कुछ आया, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले 100 नंबर भी 10 मिनट में आती थी, 112 भी, फिर सुनवाई नहीं है, जो काम 10,000 में होता था वो 20,000 प्रशासन डांट खाएगा, झगड़ा मेरे मंदिर है खाली का, यहाँ मेरे को सताया जा रहा है उठने के बराबर में, SDM साहब के पास गया, SDM साहब के पास गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं की, जब लास्ट में मेरे कोर्ट में जाना पड़ा है। अगर जनता के लिए सरकार किसी की हो, चाहे मोदी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, हमारा कहना यह है कि जनता हमारी दुखी ना रहे, अगर जनता ही अगर दुखी रहेगी फिर किसको मानेगी, किसको वोट देंगे। ये केजरीवाल जो है हर चीज़ पे ध्यान रखता है, चाहे उसका, अब केजरीवाल था पहले दिल्ली, पहले दिल्ली में था केजरीवाल, बस फ्री, लाइट बिजली फ्री, और भी बहुत सा काम किया केजरीवाल ने, मोहल्ला क्लिनिक खोला, बहुत सा काम किया, वो तो सब दिल्ली में है, UP में, तो मैं भी UP में केजरीवाल को चाहता हूँ ना, तो मैं अखिलेश को चाहता हूँ ना, कांग्रेस को राहुल गांधी, ना तो मोदी सरकार योगी आदित्यनाथ, ये सब से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है केजरीवाल से, केजरीवाल को मैं चाहूँगा कि वो यूपी में आ जाए, उससे बढ़िया सरकार किसी का नहीं है, किसी का ना हो सकता है ना है, साफ कहना सुखी रहना। इतना काम नहीं किया जितना BJP ने जमीनी स्तर पर काम करा है। क्या काम किया? जैसे कि माफिया हैं वो सारे ख़त्म कर दिए, गरीब लोग आसानी से जी रहे हैं, जहाँ चाहें वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, रात बेरात निकल रहे हैं हम लोग, इसके अलावा हम कभी रात को 12 बजे 1 बजे हमारी माँ बहनें नहीं निकल पाती थी, उनने पुलिस कर्मचारी और जितने भी कर्मचारी हैं सबको उनने टाइट किया है, और फिर प्लस गल्ला दे रही है, तुम्हें पैसा दे रही है, किसान निधि दे रही है, फ्लाई ओवर बहुत सारे बनवा रखे हैं, वो हो किसी की सरकार का टेंडर जमा, मगर बनवा तो वो ही रहा है इस समय। अखिलेश ने क्या किया? अखिलेश ने कुछ भी नहीं किया है, उसे मुसलमानों को वोट जरूर चाहिए, मगर काम नहीं चाहिए मुसलमानों का, वोट चाहिए मुसलमानों को, जो भी चाहिए, जब जहाँ पर भी देखेंगे तो मुसलमान खड़ा कर देंगे। अब कितने टिकट दिए हैं पूरी UP में? 7 मुसलमानों टिकट दिए हैं, वोट मुसलमान के चाहिए, वो 8% होकर हुकूमत करेंगे, हम 17 से 20% हम
हम वहाँ राज्यसभा में भी नहीं जा सकते। अब से सन 1997 में संसद में 87 सांसद थे मुसलमान, अब सिर्फ 23 सांसद रह गए मुसलमान आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में 17 से भी घट के 12-13 सांसद रह जाएंगे हम मुस्लिम सांसद जो हैं। तो हम अखिलेश को वोट क्यों देंगे, बीजेपी को देंगे खुला वोट? इलेक्शन है, इस इलेक्शन में किसकी सरकार देखना चाहोगे आप, किसकी बननी चाहिए? होनी तो चाहिए मोदी के, लेकिन यहाँ का जो मंत्री है नोएडा का काम निकल के दे रहा है वो। हाँ, ये मोदी पार्टी की वजह से वोटिंग पड़ रहे हैं, लेकिन नोएडा में उसकी वजह से वोटिंग पड़ रही है। मतलब जो सरकार है बीजेपी की, तो पार्टी बीजेपी की वजह से वोटिंग हो रही है और उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रही, काम नहीं करते, काम नहीं हो रहा नोएडा में। क्या लगता है आपको, सरकार मतलब पूर्ण बहुमत से बनेगी या? सरकार तो पूर्ण बहुमत से बनेगी, लेकिन समस्या यही है और कोई परेशानी नहीं है, केवल पार्टी की वजह से वोटिंग हो रही है यहाँ पर और कोई नहीं, नहीं करते काम तो है ही ना बिल्कुल, कोई सुनाई नहीं, नहीं सुनवाई इस एरिया की, कोई सुनाई ना है ना कोई कर रहा है क्या, और ले और वह टाइम पे अपना कर देते हैं। सरकार कहती है रोजगार भी बहुत है और शिक्षा को भी बहुत अच्छी से ले गए। अब देखो ऐसा क्या करे, सच्चा तो होती ही होती है, अब गरीब आदमी तो सबर करके बैठ जाता है, क्या करे फिर, ना कोई सुनाई करे ना करे तो अभी आप छोड़ दो यहीं तालो कर देते हैं। यहाँ का पार्टी की वजह से वोटिंग हो रही है यहाँ पे और कोई शिक्षा की वजह से वैसे कोई नहीं है। क्या चाहते हो आप, किसी सरकार बननी चाहिए? देखिए सरकार जिसकी भी बने, सरकार हमेशा विकास के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे और शिक्षा के मुद्दे पे बननी चाहिए, ठीक है? और जो प्रेजेंट की सरकार है वो इस पर एकदम भाग रही है इस चीज़ से, न एक बार मोदी जी ने कभी कहा कि विकास किस किस बात पर होगा, सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, कि 2047 तो 23 साल बाद पता नहीं हम रहें या आप रहें या खुद वो रहे ना रहें, लेकिन हमें सपने दिखाए जा रहे हैं, जैसे 2014 में दिखाए गए थे, 19 में दिखाए गए थे कि हर साल 2-2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, अभी तो 10 साल सरकार बीत गई, 15-15 लाख का भी, हाँ 15-15 लाख मुद्दे आए थे, काला धन वापस आएगा, सब आप इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के जरिए सारा धन अपने अंदर ही भर लिए, टोटली 6.5 हज़ार करोड़ का घोटाला करके खुद बैठे हुए हैं, और जो ईमानदार जो देश के लिए काम कर रहा उसको जेल में डाल रहे हैं, ये तो इनकी सरकार है अच्छी खासी, क्योंकि उसने देश आधा खत्म कर रखा है और थोड़ा और बचा वो भी खत्म कर दे। हाँ मजाक छट के मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा कि गठबंधन की बनना चाहिए, तुम तुरंत कह दोगे कि अरे वो काम करवाया, तो मैं कह रहा हूँ मोदी की बननी चाहिए, थोड़ा बहुत बचा वो भी खत्म करो, एकदम सही, ठंडे फंडे। मतलब बीजेपी सरकार देश को खत्म कर रही है, तानाशाह वाली सरकार है भाई, ये रसिया बना देगी इसे, ये समझ लो आप, और इलेक्शन खत्म अब की बार से, लोकतंत्र की हत्या, संविधान को खत्म कर देगी, उसने इनके खुद नेता कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर बीजेपी को भैया वोट दो, क्योंकि अंधभक्ति में तुम चूर हो चुके हो, और मैं कुछ बोलूँगा तो तुम कहोगे ये तो वो है इसलिए बोल रहा है, भैया बीजेपी को वोट दो मेरे, मोदी जी जाने चाहिए, 80% बचा हमें क्या, हम तो फौरन में कमा लेंगे भैया, थोड़े बहुत टिकट के हम फौरन कमा लेंगे, लेकिन तुम भी तो हमारे साथ जाओगे भाई, संविधान की हत्या होगी तो तुम भी बंद होगे, हम भी बंद होंगे भाई, तानाशाही सरकार चल रही है, तो भाई साहब मैं तो कहूँगा मोदी जी को ओढ़ दो, और तो मैं उनके साथ हूँ। नोएडा के अंदर में मैं घर घर में काम करता हूँ, जो औरत से मैं पूछता हूँ कहती है ये कि अरे नोएडा में तो काम है ही नहीं, यहाँ जो पूरे शहर बसे हुए किसके वजह से, नोएडा की जरिया से, जब नोएडा फैक्ट्री में काम ही नहीं होएगा तो आदमी क्या खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे रहेंगे, महंगाई सबसे ज़्यादा है। यहाँ से नोएडा से दिल्ली पढ़ने जाते हैं? हाँ नोएडा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो CBSE बोर्ड की जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे सुविधा यहाँ पे अच्छी नहीं है, और स्कूल भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे UP बोर्ड स्कूल है वहाँ पढ़ाई अच्छी यहाँ पे अच्छी नहीं होती, लेकिन केजरीवाल के वहाँ पे दिल्ली में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इसलिए हम दिल्ली पढ़ने जाते हैं, डेली अप डाउन करते हैं आप? हाँ रोज़ का। तो आपको यूपी में ऐसा एजुकेशन में क्या लगा जो यहाँ अच्छी नहीं होती पढ़ाई, क्यों नहीं होती अच्छी? देखिए वहाँ पे टाइम पे चेकिंग होती है, और टाइम पे कैमरेस लगे हैं, डायरेक्ट वो CBSE तक जाते हैं कैमरे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, टीचर्स लोग बस अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और बस वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, वहाँ पे चेकिंग टाइम पे चेकिंग आती है, ये सबसे बड़ी वहाँ पे अच्छी सुविधा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यूपी में 24 में आपकी राय में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो मेरे ख्याल से तो अगर
जिसकी भी सरकार बने, बस हम लोग को रोजगार चाहिए। क्यों, हम देखो पढ़ रहे हैं, हम सुबह से शाम तक जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना सारा पढ़ रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, हमें अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। अब रोजगार हमें, हमारा मेन मुद्दा ये है, हमें रोजगार चाहिए। चाहे देश में मंदिर बने, चाहे देश में मस्जिद बने, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली रोजगार चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई लड़ाई नहीं है। ये लोग जो हैं, ये सरकारी सरकार की सरकार लोग जो है, इनका ये लोग हमें भड़काने का मुद्दा है इन लोगों का, लेकिन हमें इस सबसे किसी से मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ मेन मुद्दा ये है कि हमें रोजगार चाहिए, किसी भी हालत में कोई भी सरकार आए, हमें रोजगार चाहिए, बस मेन मुद्दा यही है। तो अभी 2024 में सरकार किसकी बननी चाहिए, किसको देखना चाहेंगे आप? हमको तो बस मोदी चाहिए और जोगी चाहिए, बस और कोई नहीं चाहिए। जोगी बहुत अच्छा कर रहा था, गाड़ी बाहर खड़ी थी, सारा चोर चमानी हो रहा था। जब से जोगी खड़ा हुआ तब से ना चोरी ना चमानी कुछ ही नहीं हो रहा है, ना लड़की का ब्लड का हो रहा था, लड़की पे यार कुछ ही नहीं हो रहा है, बहुत अभी सुधार गया। हमको तो मोदी और जोगी चाहिए बस, आप कोई नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको कितनी सीट आएंगी? हैं, कितनी सीट आएंगी? अब मुझे तो पक्का लग रहा है दो ही जीतेगा, जोगी और मोदी जीतेगा पक्का। चीज़ पे जीतेगा। और लड़कियां सेफ हैं? लड़कियां सेफ हैं? उन नाव में लड़की की हत्या करके उस, ये तो कह रहे हैं लड़कियां सेफ नहीं हैं, आप कह रहे थे महिलाओं महिलाएं सेफ हैं। साक्षी मर्डर केस है, हैं कैसे सही हैं पहले बताओ, कौन सा एक केस तुम पहले का पुराना बताओ जो इतना सुर्खियां बटोरा हो। पहले के पुलिस वाले जला देते थे क्या? प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट होता था पहले में, करता था अब गुंडागुरी भी नहीं था। अब तो बहुत सुधार गया, हार गया, हार गया, बहुत सुधार गया। चश्मा उतार लो, शिक्षा पे बात करो, शिक्षा पे आप बात नहीं करोगी, आप भागोगी। शिक्षा पे, रोजगार पे ये बात करनी चाहिए, जो बेहतर शिक्षा दे और बेहतर रोजगार दे लोगों के लिए, क्योंकि अभी महंगाई ज़्यादा है। महंगाई की मतलब गरीब आम आदमियों पर ज़्यादा मार पड़ रही है, इसलिए शिक्षा पे और बेरोजगारी पे ध्यान दे सरकार। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हेड स्पीच दी है, क्योंकि हम भी एक देश के वासी हैं, तो उन्होंने मतलब हमारे दिल को थोड़ी ठेस पहुंची, क्योंकि गलत किया उन्होंने, गलत बोला उसके बारे में। क्या बोला? जो उन्होंने बोला है कि ये घुसपैठियाँ हैं मुसलमान, तो उसके लिए गलत बोला उन्होंने, क्योंकि वोट हम भी करते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, और वो सवा सौ करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। क्या लगता है आपकी नज़र पब्लिक? हमारे नज़र में तो देखिए 24 में जो है सरकार चेंज होने की चांस है, बदलाव है, लोगों के अंदर दिल में आ गया कि नहीं अब बदलाव चाहिए। लोग बाग कुछ तो डर रहे हैं, खुल के बोल नहीं रहे हैं कि ऐसी अब वर्तमान में ऐसे सरकार हैं कि बोलने में भी लगता है कि चलो भाई कहीं ये हो जाए। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। मतलब क्यों डरते हैं लोग, किस वजह से डरते हैं? अरे आप कुछ बोलें वर्तमान सरकार के बारे में, तुरंत आपके खिलाफ कोई ना कोई केस लगा देगा, कुछ ना कुछ लफड़े करवा देंगे। तो सच तो यही है सर कि बदलाव जरूरी है, आप देखते ही हैं, शिक्षा में भी पीछे हो रहे हैं हम, बहुत से ऐसे हैं, महंगाई बहुत हो रही है, पब्लिक जो है परेशान है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये हो गया हमें बस वो चाहिए। अभी जो आंटी बोली कि हमें जो है बस वही चाहिए, पर उनको ये नहीं मालूम कि उनके साथ क्या क्या चाहिए हमें। ये थे पब्लिक के रुझान, कोई कहता है बीजेपी की बनेगी सरकार, कोई कहता है समाजवादी की बनेगी। आप देख रहे थे किस्सा कुर्सी का, और देखते रहिए न्यूज़ 9 इंडिया।